नमस्कार, मैं अक्षय और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। जिस तरीके से आज चंद्रशेखर आजाद जी को लेकर देश में फैल रही विडंबनाओं को खंडन करने के लिए आपके समक्ष चंद्रशेखर जी के लिए अपनी संवेदनाएं आपके समक्ष व्यक्त करूंगा। चंद्रशेखर आजाद जी की ओर जब देखता हूं और जिस तरीके की हुकूमत अब इस देश में चल रही है, उनका हर जाति, हर धर्म, हर मजहब को साथ लेकर चलने का है। उनकी जो सोच है कि बांट दिया इस धरती को, जिस तरीके से देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर, छुआछूत के नाम पर देश को बांटने की साजिश की जा रही है कि बांट दिया इस धरती को, इन चांद सितारों का क्या होगा और नदियों के कुछ नाम रखे बहती धाराओं का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आवे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजम क्या होगा। और उन फिरका परस्तों से पूछो, अबे क्या सूरज अलग बनाओगे, एक हवा में सांसे सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। और नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है, क्या राम ने मस्जिद तोड़ी थी, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ी है, कहां ले जाना चाहते हो यार इस देश को। चंद्रशेखर आजाद जी दलित यूथ आइकॉन नहीं, पूरे देश के युवा नेताओं की जरूरत है, जो सामाजिक समरसता और सामाजिक सद्भाव को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। और मैं तो चंद्रशेखर आजाद जी की ओर अपनी संवेदना यही व्यक्त करूंगा कि चंद्रशेखर आजाद जी आने वाले समय में देश और प्रदेश के नहीं, पूरे विश्व के नेता बनेंगे। चंद्रशेखर आजाद जी को दिल से सैल्यूट। क्रांतिकारी जय भीम, नमो भारत।